चलिए गौरांग सर आपके पास ही आऊंगा। शुगर सेक्टर अगर देखें या शुगर शेयरों में अगर हम देखें तो यहां पर कोई खास स्टॉक जो आपको आकर्षक नजर आता हुआ? प्रशांत भाई, आपके सवाल का मैं कंपनी स्पेसिफिक जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपके दर्शकों के लिए, निवेशकों के लिए ये पूरा जो दृष्टिकोण है ये आसानी से सामने रखने का प्रयास करता हूँ। और अभी जैसे आपके सहयोगी बता रहे थे कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के जो राज्य है वो बहुत ज्यादा उत्पादन करते हैं गन्ने में, जिस तरीके से, और मैंने ये टिप्पणी शुरुआत में की कि बारिश को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता है बाजार को, महंगाई दर ऊपर जा सकती है वगैरह वगैरह, तो जब गन्ना कम उत्पादन होगा तो स्वाभाविक है कि चीनी का उत्पादन भी उतना ही कम होगा। और गन्ने के दाम को लेकर के और चीनी के दाम को लेकर के मेरे ख्याल से जो स्तर है वो काफी अंतर है उसमें, और डेट को लेकर भी की क्या चिंता है। अब गन्ना कम होगा पैदा तो फिर उत्पादन कम होगा, तो फिर एथेनॉल का भी उत्पादन उतना ही कम होगा क्योंकि एथेनॉल एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जब आप चीनी बनाते हैं। तो चीनी क्षेत्र में ये दो फायदे हो सकते हैं एथेनॉल को लेकर के पहले तो, और उन सब कंपनियों को जहां पर राज्य स्तर पर जो भेदभाव है भाव में गन्ने के लेकर के और चीनी को लेकर के, उसमें अगर जो अंतर है उसमें थोड़ा बहुत कम अंतर हो जाता है, तो हम एक ही बात कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं वहां पर आप नजर रख सकते हैं। एक समय पर प्रशांत हमारी कवरेज बलरामपुर चीनी पे थी काफी समय पहले, लेकिन हमारे लक्ष्य आने के बाद उस कवरेज को हमने निकाल दिया है। और एथेनॉल की ब्लेंडिंग को लेकर के भी सरकार बहुत बड़ा प्रयास कर रही है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ कि इसकी मात्रा बढ़ाई जाए, जिससे मेरे ख्याल से खपत जो एथेनॉल का होगा वो भी ज्यादा होगा, और एथेनॉल के प्रति लीटर के दाम जो थे उसमें भी हमने ऊपर की तरफ के दायरे देखे।